नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकेला पोल्ट्री व्लॉग में। दोस्तों आज मेरा बर्ड का चौथा दिन है और फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि हम अपने ब्रूडिंग में क्या मैनेजमेंट किए हैं, किस तरह से अपने ब्रूडिंग को बदलाव किए हैं अपने ब्रूडिंग में। और दोस्तों आज जो है सो हम अपने भूसी का जो हमने जो लीटर बिछावन दिया हुआ है उसका कंडीशन क्या है और उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और दोस्तों आज हम छोटी छोटी प्रॉब्लम के बारे में आपको बताएंगे जो ब्रूडिंग में होता है। तो दोस्तों जैसे कि सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारे जो ब्रूडिंग में हमने स्पेस को बढ़ा दिया है, जैसे कि मेरा पिछला वीडियो जो देखा होगा उन्हें पता होगा उन दोस्तों को कि इसमें जो है सो हमने दो सर्कल में इस तरह का दो सर्कल में हमने चिक्स को रखा हुआ था। अभी मैंने उसको तीन राउंड में कर दिया है, जैसे कि देख पा रहे हैं एक दो और एक इधर है तीन, और बीच में भी हमने फ्रेंड्स वहाँ पे पार्टीशन लगाया हुआ था इसमें ये दोनों में, वो पार्टीशन को भी मैंने हटा दिया है, पूरी तरह से हमने इसको ओपन कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये जो है आज हमने सुबह को ही किया है और पेपर जो हमने डाला था उसको मैंने कल ही हटा दिया था पेपर को, और पूरी तरह से ये फीडर पे आ चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स किस तरह से फीडर में चिक्स जो है आराम से फीड ले रहा है। तो दोस्तों ये हमने जो है सो स्पेस बढ़ाई उसकी बात हो गई। अब मैं अपनी भूसी की बात करता हूँ तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा लीटर का कंडीशन चारों तरफ से बहुत अच्छा है, कहीं भी गीला नहीं हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक प्रॉब्लम हुआ है मेरे फार्म पे, और अक्सर ये हर फार्म पे हो जाता है ब्रूडिंग में, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों हमने इसमें और उसमें दोनों खंड में ये दोनों स्पेस मैंने जो है उसमें मैंने ऑलरेडी रैकिंग कर दिया है, और मैं सोचा कि आप लोग तक एक छोटी प्रॉब्लम को शेयर किया जाए, इसलिए हमने इसमें रैकिंग अभी नहीं की है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपको भूसी का कंडीशन से ही पता चल जा रहा होगा इसमें रैकिंग हमने नहीं किया। तो दोस्तों प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि आप बर्ड जो है सो साइड में जैसे कि बैठता है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस तरह से बर्ड जब साइड लग जाते हैं एक साइड में, तो दोस्तों यहाँ का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सो भूसी बिल्कुल नहीं है। जी हाँ दोस्तों देख सकते हैं भूसी बिल्कुल नहीं है, और यहाँ का जो भूसी है फ्रेंड ये उल्टा इसमें नमी आ चुका है, अच्छा खासा नमी आने लगा। दोस्तों जब भूसी में नमी आ जाता है तो यहाँ पे क्या है ना अच्छा खासा अमोनिया गैस बनने लगता है, और जब अमोनिया गैस बनने लगता है दोस्तों तो इसमें जो है सो काफ़ी बर्ड को नुकसान होता है अमोनिया गैस से। तो दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी साइड में इस तरह का प्रॉब्लम है, तो आपके फार्म में अगर यदि इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो दोस्तों आपको ऑलरेडी इसको रैकिंग कर देना चाहिए अच्छी तरीके से, जैसे कि मैं इधर दूसरे खंड में करके रखा हूँ आपको दिखाने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से रैकिंग किया हुआ है और पूरी तरह से भूसी को हमने नीचे ऊपर कर दिया है। दोस्तों इस तरह से हमने पूरी चारों तरफ साइड में अच्छे तरीके से और हमने बीच में पूरी तरह से पूरे स्पेस में हमने रैकिंग कर दिया। तो दोस्तों हम इसमें भी अभी रैकिंग कर देंगे और पूरी तरह से भूसी को मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों अगर यदि आप इस तरह से करते हैं तो आपके फार्म में जो है सो अमोनिया गैस कम बनेगा और लीटर जो है उसमें भी नमी कम होगी। तो ज़्यादा नमी होने से फ्रेंड्स बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए आप खास करके लीटर का जो है सो ब्रूडिंग में बहुत सारे भाई लोग होते हैं जो कि रैकिंग नहीं करते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप थोड़ा सा जो है सो तीसरे दिन या चौथे दिन जो है सो अपने फार्म पे साइड में रैकिंग करें। वैसे तो भूसी का रैकिंग हमेशा करते रहना चाहिए, इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों अभी ये तो हमने बता दिया कि छोटी सी जो प्रॉब्लम थी। और दोस्तों अगर ये दवा की बात करें तो दवा हमने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि वही दवा अभी भी चल रहा है, इमोलाइट अभी हम सुबह को दे रहे हैं और दोपहर को दे रहे हैं उसमें विमरॉल, और रात को हम इसको लिक्सन यूज कर रहे हैं। दोस्तों आज भर का मेरा ये डोज है, तीन दिन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। हमने दूसरा तीसरा चौथा दिन का बताया था, आज मेरा चौथा दिन है, आज मेरा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं इसमें फटाफट रैकिंग कर लेता हूँ पूरी तरह से, इसके बाद ऑलरेडी मैं देख सकते हैं कि आप मैंने जो है सो इसमें जितने भी मेरे ड्रिंकर है उसमें सभी में पानी भर के और उसमें इमोलाइट का दवा मिक्स करके अभी ढक्कन उकन बंद करके पूरी तरह से फ्रेश करके हमने रखा हुआ है। अभी ये जैसे लीटर रैकिंग हो जाएगा मैं इसके अंदर इसको इंस्टॉल कर दूंगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको भी मैनेजमेंट करना चाहिए। और पर्दे की बात करें दोस्तों तो हमने पर्दा जो है सो यहाँ से थोड़ी दूर तक हटा दिया है, और इधर से हमने पर्दे को उधर बढ़ा दिया है, और इस साइड से मैं पर्दे को अभी नहीं हटाया हूँ क्योंकि दोस्तों इधर से ही हवा आती है ठंडी ठंडी, तो ये खास करके रात को जो है सो काफ़ी अच्छा काम करता है। और दोस्तों वेंटिलेशन के लिए भी देख सकते हैं आप, उसमें हमने ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी गैपिंग दे रखा है,
और इधर से जो है तो फ्रेंड जब धूप अच्छा खासा हो जाता है, जब टेम्परेचर हमारे यहाँ पे दिन में जब अच्छा खासा हो जाता है, तो मैं इधर से पर्दा ओपन कर देता हूँ पूरी तरह से, ताकि वेंटिलेशन भी हमारे फार्म में बना रहे। तो दोस्तों इस तरह से आज का मैनेजमेंट रहा है। तो दोस्तों अगली बार जो हम मेडिसिन यूज करेंगे पाँचवें छठे दिन, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों अगर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर दें। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।